Hello everyone, welcome back to Decode UPSC. I'll start this video with a quotation of Bruce Lee. That is, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. And ये quote हमारे इस video के साथ बिल्कुल exact fit बैठता है, because हमें भी अपने इस सब्जेक्ट के लिए एक ही रिसोर्स को फॉलो करना है एंड उसकी मल्टीपल टाइम्स रिविजन्स करनी है, ना कि हर सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज सिंगल टाइम पढ़ना है. एंड दिस कोट गोज वेरी वेल विद दिस वीडियो. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कम्प्लीट बुक लिस्ट फॉर UPSC 2024, और ये हम प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे. एंड इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए हम क्या रिसोर्सेज फॉलो करने वाले हैं and what you need to do to follow minimum resources and get the maximum out of it. So let's start this video. So first hum ye dekhenge ki history ke resources mein hame kya kya follow karte hain for modern, medieval, ancient and art and culture. So history mein modern history ke liye what we are going to follow spectrum by Rajiv Ahir. ये सिर्फ सिंगल रिसोर्स हम फॉलो करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए. इसके अलावा हमें कोई और रिसोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. कुछ लोग इसके लिए बिपिन चंद्रा भी पढ़ते हैं, बट आई सजेस्ट कि स्पेक्ट्रम इज मच बेटर बिकॉज ये नोट्स की फॉर्म में दे रखी है और इसे याद करना कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी है. फॉर एंशियंट एंड मिडिएवल वी आर गोइंग टू फॉलो दीज टू एनसीईआरटीज ऑफ 11th स्टैंडर्ड. दीज आर ओल्ड एनसीईआरटीज, मिडिएवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा एंड एंशियंट इंडिया बाय आर एस शर्मा. इसकी आपको सिंगल रिवीजन करनी है टू गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशियंट एंड मिडिएवल इंडिया. आर्ट एंड कल्चर के लिए वी आर गोइंग टू फॉलो द 11th क्लास एनसीईआरटी ऑफ फाइन आर्ट्स. एंड इसके साथ साथ हम कुछ टॉपिक्स के लिए नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर करेंगे. इसका हमें पूरे चैप्टर नहीं पढ़ना बिकॉज इट्स अ वेरी बल्की बुक. इसके सिर्फ हमें कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं बिकॉज आर्ट एंड कल्चर हमारी जो ये दोनों बुक्स हैं यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कवर कर रखा है, तो यहाँ से भी हमें आइडिया मिल जाएगा. एंड जब मिडिएवल, एंशंट, आर्ट एंड कल्चर, इन सबको जब हम एक रिविज़न कर लेंगे अपने बेसिक रिसोर्सेज से, उसके बाद वट वी हैव टू फॉलो ओनली लूसेंट फॉर रिविज़न बिकॉज ये एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं. सो यहाँ से हमारी रिवीजन जो है, हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दीज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ नोट्स और यहाँ 100 पेजेस में पूरी की पूरी आर्ट एंड कल्चर एंड मिडिएवल एंड एंशियंट हिस्ट्री कवर्ड है. सो यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम इट और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. आई शो यू व्हेन आई मेक अ वीडियो ऑफ आर्ट एंड कल्चर टू कवर इन मिनिमम टाइम पीरियड. इसके अलावा पॉलिटी के लिए हमें सिर्फ दो बुक्स पढ़नी है. टू गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू रीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क फर्स्ट. यहाँ से हमें ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. इसके अलावा हमें इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत. लोगों का ऐसा कहना है कि हाँ, अब जैसा कि पेपर आ रहा है प्रीलिम्स का, उसमें पॉलिटी की लक्ष्मीकांत अब उतनी बेनिफिशियल नहीं रही है, उतना इनपुट आउटपुट रेशियो नहीं रहा है. बट अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत अच्छा रिसोर्स है इंडियन पॉलिटी को कवर करने का. ऑफकोर्स आपको इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी और इसके साथ साथ हमें एक चीज़ जो करनी है वो ये करनी है कि हमें पॉलिटी की लक्ष्मीकांत के साथ साथ हमें बेयर एक्ट भी पढ़ना है. आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट बेयर एक्ट से हमें क्या होगा, हमें आर्टिकल की ना एग्जैक्ट वर्ड्स पता चलेंगे कि हाँ एग्जैक्टली पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड या लक्ष्मीकांत इज द सिंगल सोर्स फॉर पॉलिटी फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. ज्योग्राफी के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फॉलो दीज फोर एनसीईआरटीज. ये 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज हैं. ये दोनों हैं 11th क्लास की एनसीईआरटीज एंड ये दोनों हैं 12th क्लास की एनसीईआरटीज. सो ये चारों एनसीईआरटीज हमें पढ़नी है. इसके अलावा हमें कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, 6 से 10 तक की पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. इफ़ वी आर गोइंग टू कवर दीज फोर एनसीईआरटीज, 6 से लेकर 10 तक ऑलरेडी कवर हो जाता है. एंड अगर किसी को ये लगे कि किसी को फोमो हो रहा है कि आई डिडंट कवर इट, तो इन्हें कंप्लीट करने के बाद दे कैन कवर 6 to 10, वो बहुत जल्दी एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा. इसके अलावा फॉर फ्यू चैप्टर्स यू कैन रेफर टू जी सी लियोंग
ओनली पार्ट वन, नॉट पार्ट टू। तो वहाँ से आप कुछ वेदर फिनोमिनाज वगैरह के लिए जीसी लॉन्ग को कवर कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको एटलास को फॉलो करना है, बिकॉज ज्योग्राफी के क्वेश्चन मैप बेस्ड होते हैं एंड बिना एटलास के किए आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन सारे सही होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। सो यू हैव टू फॉलो द एटलास। इसके बाद हम इकोनॉमी के रिसोर्सेज की बात करेंगे। सो इकोनॉमी में बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आती है, वो हमें रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली वी हैव टू रीड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ से कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली भी आते हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बुक काफ़ी अच्छी है, यू शुड रीड इट। इसके अलावा दो ऑप्शन बचते हैं, बहुत सारे बच्चे मृणाल सर को फॉलो करते हैं, अगर दे कैन रीड देयर नोट्स इट्स वेरी, बल्कि 1200-1300 पेजेस के नोट्स होते हैं, सो इफ़ यू कैन फॉलो देम दैट्स वेरी गुड। और अगर आप यही फॉलो कर रहे हो तो आप इसी को करो। बट पर्सनली मैंने श्रीराम आईएएस के नोट्स फॉलो किए थे और मैं उन्हें ही फॉलो करता आया फ्रॉम दिस अटेम्प्ट एज वेल, एंड मैंने मृणाल सर के नोट्स नहीं पढ़े तो आई कॉन्ट कमेंट ऑन दैट। बट हाँ, लोग ये कहते हैं कि उनके बहुत अच्छे नोट्स हैं, बट बल्कि हैं। सो ये आपकी चॉइस है, वट एवर यू वॉन्ट टू फॉलो। और ऐसा नहीं है कि अगर आप श्रीराम आईएएस फॉलो कर रहे हो और मृणाल सर के फॉलो नहीं कर रहे तो आपको कुछ कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, ऐसा नहीं है। ओवरऑल आप कवर कर लोगे क्योंकि इकोनॉमी मोस्टली करंट बेस्ड ही आता है। एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के लिए तो एक बुक है शंकर आईएएस। कुछ लोग इसके लिए पीएमएफ आईएएस को भी फॉलो कर सकते हैं, बट मैंने पर्सनली नहीं पढ़ा है तो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। मैंने शंकर आईएएस ही पढ़ी है। एंड इसके अलावा मैंने लास्ट फोर चैप्टर्स ऑफ 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी, ये बेसिकली जो लास्ट फोर चैप्टर्स हैं ये एनवायरनमेंट से डील करते हैं। सो इफ यू विल रीड दैट यू विल गेट सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म एंड देयर एग्जांपल्स एज वेल। सो ये दोनों रिसोर्स हैं। इसके अलावा आपको मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना है जो कि विजन का या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप फॉलो कर सकते हो, विजन इनसाइट्स और किसी का भी, सबका सिमिलर ही होता है। इसके अलावा है नेक्स्ट साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए जो मैंने पर्सनली फॉलो किया था, व्हाट आई डिड, आई रेफर टू एनसीईआरटीज ऑफ 9th एंड 10th क्लास फॉर गेटिंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एंड उसके अलावा मैं सोली रिलाई किया था विजन के पीटी 365 ऑफ साइंस एंड टेक फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस 365, यही दोनों किया था मैंने साइंस एंड टेक के लिए। आई डिडंट डू समथिंग एल्स। एंड फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो एथिक्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है GS4 का, और इसके लिए इसमें स्कोर करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज एथिक्स में मार्जिन जो होता है डिफरेंट एस्पायरेंट्स के मार्क्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है कई बार जैसे, और एथिक्स आपको कवर करना, अच्छे से कवर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट इट्स ऑल्सो 250 मार्क्स एंड बहुत ज़्यादा लोग इसके प्रिपरेशन पर ध्यान देते नहीं हैं। एंड जब भी हम प्री पे फोकस होते हैं तो एथिक्स को हम उतना ज़्यादा कवर नहीं करते, और वी जनरली थिंक अबाउट कि हाँ एथिक्स से प्रिपरेशन हम प्री के बाद कर लेंगे, वो हो भी जाता है बट इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है जब लास्ट मिनट तक आप एथिक्स कंप्लीट नहीं कर पाते। एंड दूसरा ये भी है कि एथिक्स का पेपर जनरली और सारे GS के पेपर के कंपैरेटिवली लेंथी भी होता है, तो उसे कंप्लीट करना इज ऑल्सो अ टास्क इन इटसेल्फ। सो इसके लिए मैंने जो फॉलो किया था, मैंने सिर्फ किया था बाजीराम के नोट्स, ये मार्केट में मिल जाते हैं 125 पेजेस और 120 पेजेस के होते हैं, एंड मैंने करोल बाग से ही खरीदे थे। एंड इसके अलावा PYQ प्लस इंटरनेट, इन दोनों चीज़ों का आपको बहुत जुडिशियल यूज़ करना है बिकॉज PYQs आपको डायरेक्शन दिखाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को करना है और कैसे रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। एंड लेट मी क्लैरिफाई यू कि आई डिडेंट टेक एनी कोचिंग फ्रॉम एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, वट एवर रिसोर्सेज आई एम टेलिंग यू दे आर अवेलेबल इन द मार्केट इटसेल्फ। तो वाजीराम के जो नोट्स हैं एथिक्स के, वो आई गेस आपको किसी भी बुक शॉप पर मिल जाएंगे करोल बाग मुखर्जी नगर के। इसके अलावा जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी में आई रेफर कि ओनली आई इसका ना प्रहार करके मैगजीन टाइप आता है और बुक लिस्ट कह लो आप, वट एवर यू वॉन्ट टू से, वो किया था मैंने प्रहार का, दैट इज़ वेरी गुड। एंड इसके अलावा
आई गेस व्हाट आई मिस्ड, एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए व्हाट आई रेफर्ड इज, आई रेफर्ड टू ऋषिकेश रेड्डी सर्स नोट. ही वॉज एयर 98 इन आई गेस 2021 अटेम्प्ट. आई रेफर टू हिज नोट्स एंड दे आर वेरी गुड नोट्स. तो मैंने उन्हें ही रेफर किया था. एंड उसके अलावा जो करेंट में न्यूज़ थी एंड PYQs बेस्ड जो थीम्स थी उनके नोट्स मैंने खुद बना लिए थे. बट आई जनरली रेफर टू ऋषिकेश रेड्डी सर्स नोट्स. अदरवाइज मैं कोई बुक वगैरह फॉलो नहीं कर रही थी. सोसाइटी और सोशल जस्टिस, ये GS1 और GS2 का पार्ट है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए वॉट यू कैन फॉलो, विजन का ना वैल्यू एडिट मटीरियल आता है एंड यू कैन गेट इट फ्रॉम द मार्केट, एनी बुक शॉप इन करोल बाग और मुखर्जी नगर, एंड यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम योर होम एज वेल. सो वैल्यू एडिट मटीरियल ऑफ विजन IAS, और जो मैंने फॉलो किया था, मैंने किया था ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स करे थे और उनके नोट्स मतलब मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे फॉर गेटिंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. एंड ऑफकोर्स सोसाइटी के जो क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, यू कॉन्ट प्रिडिक्ट इट, नो बडी कैन प्रिडिक्ट एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट, बट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये नोट्स काफ़ी हैं. जैसे इसी साल का क्वेश्चन था कि मोबाइल फोन्स टुक द प्लेस ऑफ कडलिंग. सो ये क्वेश्चन कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी नोट्स या कोई भी मैगजीन कवर नहीं कर सकते. तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको एट दैट इंस्टेंट ही सोचने पड़ेंगे. बट फॉर गेटिंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू कैन फॉलो सम रिसोर्स. ये रिसोर्सेज हैं, दीज आर मिनिमम रिसोर्सेज विच यू नीड टू फॉलो. एंड बिलीव मी, इन रिसोर्सेज को फॉलो करके यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन. बट द थिंग इज दैट कि आपको इन अपने रिसोर्सेज पे ट्रस्ट करना पड़ेगा. यू कांट, बिकॉज मार्केट में बहुत ज़्यादा फोमो क्रिएट होता है कि हाँ यार somebody इज रीडिंग दैट सोर्स, आई एम नॉट रीडिंग दैट, कहीं मेरा नहीं होगा क्या. बिकॉज आई ऑल्सो फेल्ट दैट थिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज मैं मृणाल सर के नोट्स फॉलो नहीं कर रहा था बट पीपल वर फॉलोइंग द मृणाल सर नोट. सो एट सम पॉइंट आई थॉट कि अरे यार मैं नहीं कर रहा, कहीं मैं लैग तो नहीं कर रहा अपनी प्रिपरेशन में, बट दैट वॉज नॉट द केस. सो इसीलिए अपने रिसोर्सेज को ट्रस्ट करो, रिवाइज दीज रिसोर्सेज मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू रिवाइज इट यू विल नॉट एबल टू रिकॉल इट इन द एग्जामिनेशन. और अगर एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पा रहे तो आप कितने ही रिसोर्सेज पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज जितने मिनिमम आपके रिसोर्सेज होंगे उतने ही मल्टीपल टाइम्स आपकी रिविजन हो पाएगी और उतने ही अच्छे से आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाओगे. बिकॉज एट द एंड जब आप, जिसने भी अभी मेंस लिखा होगा या जो भी मेंस लिखने वाला होगा, उसे ये बात ध्यान आएगी कि एग्जाम हॉल में 6 मिनट्स में बहुत ऐसा बहुत ज़्यादा याद आता नहीं है. सो कीप योर रिसोर्सेज मिनिमम, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज रिविजन इज द की, तभी आप रिकॉल कर पाएंगे. एंड फॉर फर्दर अपडेट्स यू कैन रेफर टू द टेलीग्राम चैनल. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.